फॉर्च्यूनर इसके आगे कुछ भी नहीं है सर। आठ नौ बंदे इसमें आ जाते हैं आगे। हाँ जी, है ना जी। हाँ जी, आपकी वीडियो के लिए बताना चाहता हूँ। ठीक है। और सर इसमें मैंने डेढ़ टन तक माल ढोया हुआ है। मैं भी आपको सारी माइलेजेस बता दूंगा, चाहे वो हाईवे की है, स्ट्रीट्स की है, ऑफ रोडिंग की है, मैं बिल्कुल सही सही बताऊंगा। टैंक टू टैंक take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow hotter than a scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. हाँ जी बादशाह, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आज हम आए हैं ऐसी ऑफ रोड लोकेशन सिर्फ और सिर्फ इस बीस्ट की ओनरशिप रिव्यू के लिए। हमारे साथ वैसे बहुत सारी गाड़ियां आई हैं, अगर आप पीछे दिखाएंगे तो एक स्कॉर्पियो हमारे साथ है, अब वहाँ पे एक अरमाडा है, फिर जिप्सी है, बहुत कुछ है। बट आज जो है हम बात करने वाले इसुजू की। माइलेज पूछते हैं मुझसे लोग कि भैया क्या माइलेज है, और ज़्यादातर आपको यही रिप्लाई मिलता है भैया ऐसी गाड़ियों के माइलेज नहीं देखी जाती। बट नहीं, ऐसा नहीं है। हम आपको माइलेज भी शेयर करेंगे ओनर ऑफ दिस बीस्ट, ब्यूटी नहीं बीस्ट बोलूँगा भैया। सबसे पहले तो आप एक इंट्रो दे दो हमारे बादशाह लोगों को। हाय गाइस, मेरा नाम है बंधु शर्मा और मैं जुन्गा का रहने वाला हूँ। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एज अ डिप्टी रेंजर हूँ और आजकल इंचार्ज ट्रेनिंग के रूप में FTI चैल में कार्यरत हूँ। अच्छा। तो ये मेरा बेटा है विश्वास। बताओ बेटा, आप अपना वो बताओ इंट्रो। मेरा नाम विश्वास राय है और मेरा घर भी जुन्गा में है और मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ। सबसे पहले तो भैया हमारे को ये बताओ, इससे चलाते चलाते आपको कितना टाइम हो गया? सर देखिए, ये जो मैंने गाड़ी ली है, जी 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 जी, ये 2019 मॉडल है। ठीक है सर। और आपको थोड़ी जानकारी दूं कि उस टाइम नॉर्म चेंज होने वाले थे 2020 में। हाँ, अप्रैल से BS6 गाड़ियां आने वाली मैंडेटरी हो जानी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर कंपनी ने बिजनेस के लिए सिर्फ पूरे भारत में 70 यूनिट्स बनाए थे। अच्छा। जिसमें से एक गाड़ी ये भी है। तो अब अप्रोक्सीमेटली 4 साल हो गया हुआ है। अब मैं आपको वेट नहीं करवाऊंगा कि वीडियो के एंड में बताऊंगा इसकी माइलेज, मैं वीडियो की शुरुआत में ही पूछ लूंगा भैया से, भैया आपको ये ज़बरदस्त गाड़ी क्या माइलेज देती है। ऑब्वियसली ऑफ रोडिंग की बात नहीं कर रहे, स्ट्रीट की बात कर रहे हैं, या हाईवे और स्ट्रीट दोनों बता दो। मैं भी आपको सारी माइलेजेस बता दूंगा, चाहे वो हाईवे की है, स्ट्रीट्स की है, ऑफ रोडिंग की है, मैं बिल्कुल सही सही बताऊंगा। टैंक टू टैंक। ठीक है। और एज अ मीटर पे जो भी आती है, जो इसका मीटर होता है ना आपका फ्यूल मीटर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर फ्यूल मीटर पे ही देती है, अभी शुरुआत में दी इसने मेरे पास 13 की माइलेज। हाँ, 13 किलोमीटर। हाँ जी, किलोमीटर पर लीटर। हाँ, पर हाँ, लीटर। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। और अब 20,000 किलोमीटर ये चल चुकी है, क्योंकि 2 साल ये लॉकडाउन में खड़ी रही सर गाड़ी। ठीक है सर। अब 2 साल से ये कंटिन्यू चल रही है, तो जो अभी 20,000 किलोमीटर का जो टोटल वो बना है, हाँ जी, उसकी एवरेज आ रही है सर मीटर पे 10.2। हाँ जी। तो मैं बताना चाहूँगा आपको, जब मैं हाईवे पे लेके जाता हूँ तो ये देती है मेरे पास 14.8। ठीक है सर। की एवरेज। ठीक है जी। अभी ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ तो ये 10.2 पे ही रहेगी। ठीक है सर। ठीक है जी। और जो स्ट्रीट में चलता हूँ, जैसे ड्यूटी ले जाता हूँ या अपने ससुराल जाता हूँ, हाँ, बर्फ में कहीं भी जहाँ आउटिंग, हाँ, करने जाते हैं, हाँ, हम कैंपिंग करने जाते हैं, हाँ जी, तो सर ये 10.2 पे ही रहती है कॉन्स्टेंट। 10.2। हाँ जी। और टैंक टू टैंक मैं आपको बताऊँ तो सर 13 के आसपास इसकी एवरेज आती है। और सर सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूँ एवरेज के मामले में, सर 2 टन की गाड़ी है ये। हाँ जी। इसका जो वेट है वो 2 टन है। अब आप सर इससे ज़्यादा क्या इसमें एक्सपेक्ट करोगे? हाँ जी, करेंगे। आजकल आप जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मेरे पास है भैया होंडा जैज और वो भी स्ट्रीट में 13 की ही माइलेज दे रही है मुझे। तो अगर ये इतनी बड़ी गाड़ी इतनी ज़्यादा सीसी के साथ इतनी अच्छी माइलेज दे रही है तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। अब इसकी फ्रंट लुक की बात कर लेते हैं। तो जैसे इसकी फ्रंट लुक, अगर इससे क्या होता ना, इससे आप लोगों की 2 हेल्प्स होने वाली है। अगर कोई ये सोच रहा है ना कि उसे सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदनी है ये, या फिर वो जानना चाहता है कि एक ओवरऑल ओनरशिप रिव्यू कैसा रहता है, तो वो दोनों आपको पता चलेगा। इसकी हेडलाइट की परफॉर्मेंस कैसी है? इसकी हेडलाइट की जो परफॉर्मेंस है ना सर, सामने वाला तो अंधा ही हो जाता है जनाब। तो ये विदाउट एनी मॉडिफिकेशन है? विदाउट एनी मॉडिफिकेशन स्टॉक गाड़ी है सर। स्टॉक गाड़ी है पूरी की पूरी। हाँ, हाँ, बस इसमें एक काउल जैसा जो है पीछे लगा हुआ है। जी सर, डी बॉक्स कहते हैं सर इसको। जी हाँ जी, वो वाला है। ये एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, ये कंपनी से भी लग जाता है, आफ्टर मार्केट भी लग जाता है। तो ऐसा करते हैं, हम डी बॉक्स ही दिखा देते हैं सबसे पहले। एक्चुअली सर ये ऑटोमेटिक भी आता है, अंदर से खुल जाता है, पर मेरे वाला थोड़ा सस्ते वाला है तो मैनुअल है। ये कितने का पड़ता है सर? ये 2 लाख का है। 2 लाख का है ये? जी सर। और आप बोल रहे हो मेरे वाला सस्ता वाला है? हाँ। तो ये महंगे वाला कितने का है? महंगे वाला सर 2.5, 3.5, 3.5, 3.5. उसमें क्या फर्क है? ऑटोमेटिक है, हाइड्रोलिक है।
ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो जैसे आपने इस पे ये रखा हुआ है टायर, अगर आप चाहो तो उसको नीचे से भी लगा सकते हो ना। एक्चुअली मैं सर ये निकालने का थोड़ा इसका जो इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन का फंडा है वो थोड़ा सा टफ है सर, इसीलिए आपने इधर रखा। हाँ जी, तो एक बार मेरा टायर पंचर हो गया था तब से मैंने ये सपनी यही रखी ताकि ईजी रहे। ये टोटली रिमूवेबल है, अगर आप कल को चाहते हो कि इसको रिमूव करवाना है तो आप रिमूव भी करवा सकते हो। जी बिल्कुल। हाउएवर जो भी डी बॉक्स लगाता होगा वो ज्यादा चाहता नहीं होगा रिमूव करवाना, इसीलिए लगाता होगा। एक्चुअली सर Isuzu Max B क्रॉस की लुक ही इसके साथ बनती है, अदरवाइज हाँ। इसमें कैनपी भी आती है सर जो 3.5 लाख रुपए से शुरू है, जैसा आगे केबिन दिख रहा है आपको वैसा ही केबिन पीछे बन जाता है सर। तो फिर लोग कैसे बैठेंगे? सर सीट्स लग जाती है, सीट्स लग जाती है और सर उसमें गद्दे वगैरह जो भी आपने लगाने कुशन्स वगैरह सब कुछ लग जाता है, एसी लग जाता है, लाइट्स लग जाती है, चार्जिंग पॉइंट लग जाते हैं। जी सर। ये कितना टोटल खर्चा क्या है इसका? 5 लाख सर, जो पूरा सीट्स लगा दो, सीट्स एसी लाइट्स एंड चार्जिंग पॉट वगैरह सब कुछ लगा के 5 लाख तक ये खर्चा पड़ जाता है सर। देख सकते हैं आप लेग स्पेस इतनी है कि बड़ी वाली बाल्टी भैया ने रखी हुई है और इजीली रखी हुई है। यहाँ पे मेरे हिसाब से 3 तो क्या भैया, 4 लोग आराम से बैठ जाएंगे, आराम से आ जाते हैं सर। हाँ जी। और अगर यहाँ पे देखिए सर, हेडरूम भी मैं आपको दिखा दूँ। आ जाओ सर। मेरी जो हाइट है सर 5'8" है। 5'8"? हाँ जी। उसके हिसाब से देखिए सर, लेग रूम और हेडरूम चेक कीजिए सर। 5'8" के हिसाब से आप हेडरूम देख सकते हैं। मेरी हाइट 6'3" है। अभी सीट बिल्कुल पीछे हुई हुई है, आप मेरे हेडरूम देख सकते हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा स्पेस बच रही है। लेग भी देख सकते हैं आगे, और ये पूरी पीछे की हुई आगे वाली सीट पूरी की है, ये थोड़ी आगे है जी, देख सकते हैं आप। बहुत खुली गाड़ी है, बहुत खुली जी, 4 आदमी आराम से बैठ सकते हैं और कम से कम 200 किलोमीटर चल सकते हैं डेली कंफर्टेबली। तो इसका जो स्टीयरिंग कंट्रोल्स वगैरह है वो कैसा फील होता है आपको? सर एक्चुअली ये ऑफ रोडिंग गाड़ी है। हाँ जी, जी। तो थोड़ा सा हैवी तो है, हैवी है। हाँ जी, तो मुझे लगता है कि हैवी होना ही चाहिए अगर आपने हार्डकोर ऑफ रोड करना है। हाँ, जिस तरह से अभी हमने किया है। हाँ, जिस तरह से अभी अगर आप देख सकते हैं, हम साथ साथ में आपको दिखाते हैं कि क्या ऑफ रोडिंग हम कर रहे हैं, साथ साथ भैया से पूछते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उस हिसाब से सर इस तरह का स्टीयरिंग होना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है जी। हालांकि आप देख सकते हैं क्योंकि जो Isuzu D-Max V क्रॉस है इसका जो स्पीडोमीटर है सर 220 दिया हुआ है। हाँ जी, 220। हाँ जी, 220 है ना। हाँ जी। तो सर ये हाईवे की गाड़ी भी है। अब हमारा क्या सीन है कि अब हम देखेंगे कि Isuzu में क्या पावर है कि वो स्कॉर्पियो खींच सकती है कि नहीं खींच सकती। अब पावर आपको बिल्कुल सामने सामने दिखाएंगे कि क्या पावर है Isuzu में। नहीं नहीं, आप बिल्कुल आगे आ जाओ, बिल्कुल आगे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ और 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 बस आप निकाल लो, आप चलो। ऐसी जगह पे ग्रिप लेना पानी में बहुत टफ होता है। ज़्यादातर गाड़ियाँ जब भी टोचन करती है तो जहाँ पे वो गाड़ी फंसी होती है वो खुद वहाँ पे नहीं लेते, वो ऊपर रखते हैं। पर इन्होंने अपनी गाड़ी पानी में उतारी और पीछे पानी ज़्यादा डीप है और पीछे खींची पूरी की पूरी स्कॉर्पियो, जैसा कि आप देख सकते हैं। जो जो थोड़े भयंकर स्ट्रेच है ना, तो ये मिक्स सा वीडियो रहने वाला, ओनरशिप भी और मतलब ऑफ रोडिंग भी। निकलनी थी सो आप देखते 4 हाई में गाड़ी ने पूरा पानी के अंदर चली गई गाड़ी, और लेफ्ट हैंड साइड जब हमारे को ऊपर जमीन पे वापस आना था तो बहुत हाइट थी उसकी। और भाई काफी मेहनत के बाद यहाँ से गाड़ी निकलने की तैयारी। पहले हमारी स्कॉर्पियो फंसी थी, उसके बाद फंसी थी हमारी अरमाडा यहाँ पे। ये एक्चुअली इसके अंदर जो इंजन है, इसके अंदर थार का इंजन है पुरानी वाली का, जो हमने अभी अभी डलवाया था। इसका वीडियो जब आपने देखा था तब इसमें ओरिजिनल इंजन था, अब इसका इंजन चेंज हो गया है। दोनों गाड़ियों को रेस्क्यू किया है हमारी इस बॉक्स नंबर की गाड़ी ने,
तो अभी हम भैया से पूछेंगे, भैया कैसा फील आता है जब इतनी पावरफुल गाड़ी से आपने दो गाड़ियां रेस्क्यू करी आज की हमारे इसमें? भाई साहब, फीलिंग लाइक अ गॉड। ओ भाई खतरनाक। अब बची है तो हमारे पास अभी एक और गाड़ी बची है अमर भाई की। अमर भाई देख सकते हो आप, मैं गलती से भी नहीं बसाऊंगा, ये निकलेगी। अभी तक सिर्फ अमर भाई की जिप्सी है और एक ही हमारी इसुजु है जो कहीं नहीं फंसी है। लेने को तो रेंज की बात करूँ ना जी, तो छोटा मुंह बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, लेने को सर मैं फॉर्च्यूनर तक अफोर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, बट सर फॉर्च्यूनर इसके आगे कुछ भी नहीं है सर। जितने भी रिव्यूज़ मैंने देखे हैं, मेरे फ्रेंड्स के पास फॉर्च्यूनर है, मैंने भी चला के देखी है सर। हाँ जी, तो फॉर्च्यूनर में एक तो बॉडी रोल बहुत है, बॉडी रोल बहुत है, वो मैंने भी महसूस किया। हाँ जी, और दूसरी बात सर इतनी पावर है ही नहीं उसमें, और जो रही यूटिलिटी की बात सर, तो इतनी यूटिलिटी उसमें नहीं मिलती है सर। हाँ ऑब्वियसली, ये तो तगड़ी यूटिलिटी है इसको। तो अगर कंपेयर करना है तो टोयोटा की हाईलक्स के साथ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, है ना, फॉर्च्यूनर और इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है वैसे देखा जाए। सेगमेंट ये हाईलक्स वाला ही सेगमेंट है सर, पर हाईलक्स कॉस्टली बहुत है, आप जैसे को आपको पता ही है सर। कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, क्योंकि उनकी जो डीलरशिप है इंडिया में वो बहुत पहले से लेकर है, बहुत नोन कंपनी है, और इन्होंने करना है अभी बिजनेस सेटअप सर इंडिया में, तो इनका सेटअप कम है इसलिए इनकी प्राइसिंग थोड़ी कम है। तो इनकी प्राइसिंग इसलिए कम है क्योंकि इन्होंने लोगों को आकर्षित करना है ताकि हमारी गाड़ियां लो, बट जब सर्विस के लिए सर जाते हैं तो सर्विस में वही वाली बात आ जाती है, कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बराबर कर देते हैं। हाँ जी, बराबर कर देते हैं, क्योंकि जो टोयोटा के स्पेयर पार्ट्स है सर, हाँ जी, वो एज कम्पेयर टू इसुजु बहुत सस्ते हैं, और जो इसकी मेंटेनेंस है बहुत सस्ती है। किस ये ओनरशिप में, यही तो हम जानना चाहते हैं। मान लो आप इसकी सर्विसिंग करवाते हो, क्या चार्ज पड़ता है आप? नॉर्मली थी उसमें तो तेल वगैरह भी कुछ चेंज नहीं हुआ था सर। हाँ जी हाँ जी, क्या फिर भी अप्रॉक्स सर इसके चेकअप में 12,000 लग गए थे सर। सिर्फ चेकअप में 12,000 रुपये? जी 12,000 रुपीज़। जी, और जब आप जो फुल फ्लेश करवाते हो तो कितने पैसे लगते हैं? सर जो मैंने सेकंड करवाई है, जो 20,000 में इसकी सर्विस होती है किलोमीटर में, हाँ जी, तो सर वो 22,000 रुपये की हुई है, 22,000। अगर हाथी पालना है तो हाथी जैसा खर्चा भी करना पड़ेगा। मेरा ये शीशा टूटा था सर, ये वाला क्या बोलते हैं, ORVM? हाँ जी सर, ORVM। सर 13,000 रुपये का लगा सर ये ORVM, जबकि फॉर्च्यूनर का 6-7,000 का लगता है सर। 6-7,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी भले ही सस्ती है बट इसकी मेंटेनेंस जो है वो काफ़ी हाई है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, बट आपको सब कुछ देख के चलना पड़ेगा। लोग ज़्यादातर ये देखते हैं कि माइलेज क्या है, पर ये मत देखो भैया कि माइलेज क्या है, ये भी देखो कि माइलेज के साथ साथ परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस के साथ साथ आफ्टर सेल सर्विस क्या है, और आफ्टर सेल प्राइस क्या रहने वाला है। अगर आज इसुजु को आप बेचने जाओगे सेकेंड हैंड मार्केट में, तो मेरे हिसाब से फॉर्च्यूनर को ज़्यादा रेट मिलेगा कंपैरेटिवली। जी, 8-9 बंदे इसमें आ जाते हैं आगे। हाँ जी, है ना जी? हाँ जी, आपकी वीडियो के लिए बताना चाहता हूँ। ठीक है, और सर इसमें मैंने 1.5 टन तक माल ढोया हुआ है सर। 1.5 टन तक? हाँ जी, 1.5 टन। 1.5 टन? जी। तो ये एक तरह से इतना तो कमर्शियल में पावर होती है, जैसे देखी जाए तो कमर्शियल में होती है सर, ये तो 2 टन से भी ऊपर उठा ले, क्योंकि इसमें सर एक्चुअली जो स्टॉक सस्पेंशन होती है ना सर, एक कमानी दो पट्टे जो कंपनी देती है, हाँ जी, तो ये इसलिए होती है ताकि कम से कम 500 किलो तक ये उठा सके। ओ भाई, इसी स्टॉक सस्पेंशन में सर मैंने 1.5 टन तक उठाया हुआ सर, और 2-3 बारी सर, एक बार नहीं, और ऑफ रोडिंग में ये जिस तरह का आपको रोड दिख रहा है, टेरेन दिख रहा है, हाँ जी हाँ जी, इसी तरह के टेरेन में सर इतना माल उठाया हुआ है मैंने, और जरा सी भी सर इसने वो नहीं मांगी, मतलब 4x4 तक नहीं मांगा वहाँ। सो मुझे तो भैया बहुत अच्छी लगी, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी ये। अगर एक बार ले लेता है ना आदमी, हाँ जी हाँ जी, तो सर इतनी जल्दी इसकी मेंटेनेंस नहीं आने वाली, ये आपका पैसा पूरा कर देगी, इसमें कोई भी ऐसा कोई डैमेज नहीं होने वाला सर। डैमेज नहीं होने वाला, 2.5 लाख किलोमीटर तक की गारंटी है सर इसकी सस्पेंशन की, और क्या चाहिए आपको? और आपने इसकी सस्पेंशन में इतना वेट डाला हुआ है जैसा कि हमने आपको बताया है, उसके बाद भी क्या परफॉर्मेंस दे रही है गाड़ी। पानी देखो, पानी कुछ नहीं है इसके लिए, ये मजाक है इसके लिए हो रहा है यहाँ पर। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस वीडियो में भी मज़ा आया होगा, एंड आप सभी इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे, आपको ये इसुजु और हमारे भैया से मिलके अच्छा लगा होगा। सो भैया, हमारे को आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा, और हमारे ऑडियंस को भी काफ़ी हेल्प मिली होगी इस गाड़ी को लेने के लिए, अगर कोई सोच रहा है या सोच रहा होगा कि ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा है। जी, सो थैंक यू आपका वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय। Put me in a box, I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames I whip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow hotter than a scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon.